फिर ये दहशत गर्दी मुल्क से जाए ये मुसीबतें जाएँ ये महंगाई जाए ये अगवा जाए ये फ्लड जाए ये मर्जें जाएँ ये ऐठ आ रहा है अब कहते सांस का मर्ज़ आ रहा है अब क्या क्या आ रहा है तो मौत जो आ रही है इसको रोको तो सबसे पहले किस चीज़ रोको को रोकोगे ऐट को रोकोगे सांस की मर्ज़ को रोकोगे मौत को रोकोगे मौत से जान छुड़ा लो बीमारियों से जान छुड़ा लो तो फिर साँस के बाद वैसे ही इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है वैसे ही कहीं से कोई गोली मार देता है वैसे ही रात को हैजा हो जाता है कि उल्टी लग गई ये लग गई उल्टी को चला गया ऐसे बससों में पढ़ना अपने को परेशान रखना तुम्हारी जो सांस चलती है अल्लाह अल्ला जब मौत है तुम्हारे तुम्हारी जबान के रहमत का कलमा था दिल पाक हो रहा था इसकी बचत को सोच ये दुनिया में आदमी बच सकता है ये मुसीबतों से कोई बचा या बचेंगे इसमें इतना सोचना चाहिए मुनासिब सोचना चाहिए सच्ची तौर से कि जो तुमको मुसीबत आनी या बीमारी आनी तुम या रहमत आनी कुछ भी लेकिन हमारे ईमान की हालत नहीं बदलनी चाहिए ये बीमारियों के ख़ास नुकसान नहीं देती फ़ायदा देती हैं इंसान को तोबा नसीब होती है अल्लाह की रहमत की कदर आती है सब्र शुक्र आता है इससे कोई नुकसान नहीं रेट भी आ जाए कोई नुकसान नहीं कुछ भी आ जाए कोई नुकसान नहीं इंसान के बस में कुछ नहीं बस इंसान ये कोशिश करे ईमान की हालत में मरे और जो जायज़ दिफा हो उतना करे एड़ी चोटी का जोर न लगाए जो खुदा ने लिखा है वो होना ही है लेकिन जिसने खुदा के हवाले अपने कर दिया उसको राहत होती है हदीस में मलम यर्दा बेक़ाई जो मेरी और कदर पर राज़ी ना हो वलम यस्मिर अला भलाई कोई परेशानी या कोई बला कोई आजमाइश भेज उस पर सब्र न करे फल या मिन अर्जी व समाई और मेरे ज़मीन आसमान से निकल जाए कहाँ जाए इंसान वक्ती सब्र है बाद में सब खैर होगी इंशाअल्लाह।